गाइस, सो गाइस आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप आयरन फार्म कैसे बनाते हो, आप कैसे बना सकते हो आयरन फार्म इन पॉकेट एडिशन। सो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो भी सामान दिख रहा है वो सो गाइस आयरन फार्म बनाने के लिए आपको सिंपल से स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चाहिए आपको। सो ठीक है, सो गाइस सबसे पहले आपको नीचे की तरफ में डिक कर देना है, आपकी मर्जी पर थोड़ा ज़्यादा डिक करना, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 8 ब्लॉक डिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ से और 7 ऊपर से, तो 1 2 और 3 4 5 6 7 और बाकी का 3 इधर से, 3 7 और 8, ठीक है। सो अब बाकी का इधर से तोड़ लो। और एक बात गाइस, सो गाइस सबको लगता है कि मैं पॉकेट एडिशन में क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो मेरा हाथ है जो ये ऐसा ऐसा हिलता है, सो सबको लगता है कि मैं खेल रहा हूँ पॉकेट एडिशन में, बट दिस इज नॉट अ पॉकेट, दिस इज बेड सॉरी जावा में लगता है सबको और मैं पॉकेट में खेलता हूँ, ठीक है। सो इतना मेरे को आपको बताना था। सो अब इसके बाद आपको ले लेना है बेड, आपको ऐसा सा बेड ले सकते हो और आपको बिछा देना कुछ इस प्रकार से। सो ये बिछाने के बाद आपको ले लेना है स्लैब, जो कि आपको लेना है स्मूथ स्टोन वाले स्मूथ स्टोन, हाँ ये फर्स्ट में जो है ये स्मूथ स्टोन स्लैब, और इसको आपको लगा देना कुछ इस प्रकार से, और हाँ ऐसे ही कुछ आपको लगाना है, और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ऐसे 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 और आपको इसे यहाँ से ऐसा लगा देना, तो फिर विलेजर उस पार नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर आपको विलेजर को लेके आना है, आप बोट से लेके आ सकते हो क्योंकि बोट से, फिर आपको यहाँ से भी सेम वही करना है, यहाँ से कुछ ऐसे कर देना, ठीक है। और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी डाल देना है और यहाँ पे 3 विलेजर, तो मैं डाल देता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे 3 विलेजर और इधर एक ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिया है। सो गाइज आपको भी ऐसे कुछ कर देना है, ज़ॉम्बी को स्पॉन कर देना है, और गाइस इधर विलेजर भी देख सकते हो और इधर जॉम्बी भी देख सकते हो आप। सो गाइस आपको जॉम्बी स्पॉन भी कर देना है और आपको एक बार विलेजर को सुला भी देना है और जॉम्बी भी आपको स्पॉन कर देना है, मतलब आपको स्पॉन नहीं करना, मतलब ला के इधर डाल देना, ठीक है। विलेजर से पहले डाल देना, 2 विलेजर लाओगे तो उनकी ब्रीडिंग करा के आप 3रा विलेजर भी बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो इतना होने के बाद आप सिंपल से क्या कर सकते हो, इधर एक ये यहाँ पे एक बना सकते हो, मतलब सो गाइस देख सकते हो आप, अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ है, मैंने इस ऐसा कुछ बना लिया है। और गाइस अभी सो गाइस अब आपको हो क्या क्या लगेगा इसके अंदर, आपको लगेगा वाटर, लावा, हॉपर, ये साइन, ये ले लेना साइन और चेस्ट। सो सबसे पहले आपको हॉपर को कुछ इस प्रकार से लगाना है, सबसे पहले तो आपको इधर चेस्ट ले लेना, इसे यहाँ पर लगा दिया और मुझे ये सॉरी ऐसे नहीं ऐसे फिर ऐसे और ऐसे इसे रहने देते, इसे ऊपर की तरफ आ जाता फिर इसको इसे, तो ये 3 ऐसे कनेक्ट हो गए। अब आपको सिंपल क्या करना है, इधर एक लगाना और इधर एक लगाना, इधर दो लगा दिया और इधर एक ये दोनों लगा दिया। अब इसके ऊपर आपको डाल देना, सो गाइस कुछ इतना होने के बाद आपको सिंपल से इधर एक लावा डाल देना है, कुछ इधर एक डाल देना लावा और इसको ऐसे एक यहाँ पर लगा देना, तो अब और इसको ऐसा अगर यहाँ पर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तो नहीं लगेगा। सो यहाँ पर ये 2 और 3 और ये सॉरी यहाँ पे, तो ये बन गया कुछ ऐसा सा सिस्टम। और अब जब आयरन गोलम इधर स्पॉन हो गया तो सीधा इधर, और आयरन गोलम जब इधर से आएंगे तो आपको कुछ तो ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे और ऐसे सब बराबर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो अब हो गया, अब सो गाइस यार आपको ये करना है, आपको ये सब करना है, 3 यहाँ 3 ऊपर और कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे कर देना है। और अभी मुझे नीचे तो जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे तो मैं सबसे पहले नीचे कर, सो गाइस यार अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और
और देख सकते हो अभी कुछ इधर, मैं वैसे नीचे का क्या रास्ता है, हाँ तो मैं नीचे आ जाऊँ और ये तीन विलेजर इधर और ज़ॉम्बी इधर, तो मैं एक और एक काम और कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये ले लेता हूँ। हाँ तो इसे आपको थोड़ा और बड़ा कर देना है, तो अब ठीक है, अब ठीक है। सो आप ज़ॉम्बी थोड़ा और आगे आ गया, इतने आगे वैसे रखना नहीं बट इट्स ओके। सो अब कुछ इस तरीके से कर देना आपको, तो आपका आयरन फार्म बंद करके रेडी है। सो गाइस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपका जो जो आयरन गोलम है वो वर्क कर देगा और आपको यहाँ से फिर उठा लेना है, ठीक है। सो गाइस ये था वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बताऊँ वीडियो को।